उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी कुछ लड़खड़ाती नजर आई। इसी बीच सपा की सहयोगी पार्टियां सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी सपा से कुछ खिंची हुई नजर आई और चाचा शिवपाल यादव के साथ भी अखिलेश के रिश्तों में कुछ खटास घुलती हुई दिखी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेतृत्व पर सवाल उठे। इसी बीच सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई का मुद्दा भी तूल पकड़ता दिखा, जहां शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल पहुंचे, वहीं जयंत चौधरी ने उनके परिवार से मुलाकात की। साथ ही अखिलेश पर सवाल उठने लगे कि अपनी पार्टी के सबसे पुराने और कद्दावर नेता आजम खान से अखिलेश का मोह भंग हो गया है, जो अखिलेश उनकी रिहाई को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं जब 27 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए तो शिवपाल यादव समेत तमाम बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने महज एक ट्वीट से काम चलाया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय श्री आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। वहीं आजम की रिहाई पर अखिलेश का ये ट्वीट भी करीब 20 घंटे के बाद में सामने आया, जिससे एक बार फिर से सपा सुप्रीमो सवालों के घेरे में आ गए। वहीं अभी तक अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात का कोई भी संकेत नहीं दिया है। इसी बीच सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का एक बयान सामने आ गया है, जो सियासी गलियों में काफी चर्चाएं बटोर रहा है। राजभर ने आजम खान से मुलाकात के सवाल पर ये कह दिया कि अखिलेश साथ चलने को कहेंगे तो हम साथ चलेंगे। अब देखिए, हम अपने मालिक हैं, अखिलेश जी अपने मालिक हैं। हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, आते हैं तो मिलने तो जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। शिवपाल जी सबसे पहले पीछे रह गए। नहीं महाराज, कोई पीछे नहीं। ठीक है। वहीं इस दौरान राजभर ने ज्ञानवापी विवाद पर पूछे गए सवाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर दिया। अब उनसे पूछेगा क्यों नहीं दफन होने देंगे, वही उत्तर देंगे हम। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनकी चौपाई हमको याद है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, तो फिर ये विवाद किस बात का है? जब घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है, तो झगड़ा क्यों? जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ वोट के लिए नेता बोलते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि आजम खान की रिहाई पर ओपी राजभर ने ट्वीट करते हुए कहा था, सत्यमेव जयते। वरिष्ठ नेता और विधायक समाजवादी पार्टी माननीय श्री आजम खान जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय मिला, रिहाई पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक देश और न्यायिक प्रक्रिया संविधान के दायरे में रहेगी, तब तक किसी भी सांच को आँच नहीं आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश और आजम खान के बीच का ये सन्नाटा आखिर कब टूटता है और कब सपा के दोनों स्तंभ साथ में नजर आते हैं। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।